so girls our next topic is parametric equations and their differentiation so in this when the two variables x and y are functions of a third variable third variable kuch bhi ho sakta hai t bol diya and this third variable is known as the parameter the two equations are called the parametric equations so if x is a function of t and y is a function of t so t becomes the variable uh, parameter and these are the functions of t these two becomes the parametric equations so in that case since x is a function of t y is a function of t so you can find dx by dt as well as you can find dy by dt but we want to find dy by dx so, dy by dx will be obtained by dividing dy by dt with dx by dt. So, if we divide dy by dt with dx by dt, se divide kar doge, you will get dy by dx. See for example, here x is a t cube, y is 2 a t square. We have to find dy by dx. So, x is a function of t. We can find dx by dt. a is constant, t ka derivative 3 t square. Similarly, y is 2a t square, so 2 dy by dt will be 2a constant into t square का derivative 2t, तो ये 4a t बन so, जाएगा. Now we have to find dy by dx. So dy by dx कैसे आता है? dy by dt को dx by dt से divide करना है. तो जब आप dx by dt से divide करते हो, that means उसके reciprocal से multiply करेंगे. So dy by dt है 4a t, t dx by dt है 3a t square. जब इनको divide किया, this is the required answer. नेक्स्ट अगेन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी वी हैव टू फाइन डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू टू नाउ एक्स इज दिस सो इसमें यू ओवर वी रूल लगा के हम डी एक्स बाई डी टी फाइन कर सकते हैं ऐसे ही वाई ये है तो डी वाई बाई डी टी फाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग यू ओवर वी रूल सो ये यू ओवर वी रूल से डीएक्स बाई डी टी फाइन किया है इन्होंने देन ये सॉल्व करके डी एक्स बाई डी टी आ गया सिमिलरली यू ओवर वी रूल लगा के डी वाई बाई डी टी किया तो ये आंसर आ गया सो नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वो कैसे आएगा डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करके तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सो डी वाई बाई डी टी ये बन गया डी टी बाई डी एक्स तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो उसको सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू इन दोनों की डिवीजन इज ईक्ल टू ये डी वाई बाई डी टी था ये पूरा एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे इन टू ये डी एक्स बाई डी टी था इसका रेसिप्रोकल लिख दिया सो वन बाई टी क्यूब की स्क्वायर ऊपर एंड थ्री ए इंटू वन माइनस टू टी क्यूब नीचे टू टी क्यूब है के स्क्वायर है क्यूब है सो so, ये देखो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई ये थ्री ए कैंसिल हो गया सो दिस इज द आंसर नाउ दे हैव आस्क यू टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू टू तो आप क्या करोगे यहाँ पे टी की वैल्यू को टू पुट कर दोगे ये टी को टू पुट कर दिया एंड दिस इज द आंसर नेक्स्ट टॉपिक इज वेन वी हैव टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन सो रिमेंबर अभी तक आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल जैसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ t तो आप y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t नाउ यू हैव टू वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन तो इस केस में हम क्या करते हैं फंक्शंस को नेम दे देते हैं सो व्हाट वी विल डू हमने लॉग x को एक नाम दे दिया y और थ्री एक्स स्क् को नाम दे दिया z तो अब मुझे फाइंड क्या करना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z दैट मींस आई हैव टू फाइंड dy वाई बाई

सो so, ये कहीं बस स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे हैं सो लॉग एक्स बेस में टेन का मतलब है लॉग एक्स ओवर लॉक टेन तो जब आप डेरीवेटिव लोगे लॉग एक्स का डेरीवेटिव हो जाता है वन ओवर एक्स तो साथ में ये इन्होंने कैसे लिख दिया देखो जब आपने इसका डेरीवेटिव लिया तो लॉग एक्स का डेरीवेटिव तो हो गया वन ओवर एक्स ये बच गया वन ओवर लॉक टेन ना हो वन का मतलब होता है लॉग ई तो लॉग ई ओवर लॉक टेन लिख सकते हैं हम इसको तो so, इसकी बन गया लॉग ई बेस में टेन सो so, y का डेरिवेटिव इज वन ओवर x लॉग e बेस में टेन एंड डी जेड बाई डी एक्स इज सिंपली सिक्स एक्स सो डी वाई बाई डी जेड फाइंड करने के लिए हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया सो वन बाय एक्स लॉग ई बेस में टेन को सिक्स एक्स से डिवाइड किया एंड दिस इज द आंसर ऐसे ही डिफ्रेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन फंक्शन तो इसको नाम दे दिया वाई इसको नाम दे दिया यू आप इनको यू वी नेम भी दे सकते हो वाई जेड दे सकते हो कुछ भी दे सकते हो एक्सेप्ट एक्स क्योंकि एक्स ऑलरेडी वेरिएबल है सो so, अब आपने इसको वाई और इसको यू दिया इसका मतलब अब हमें फाइंड क्या करना है हमने फाइंड करना है वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू पर वाई भी एक्स का फंक्शन है और यू भी एक्स का फंक्शन है सो so, इसका मतलब मैं फाइन करूँगी डी वाई बाई और उसको डिवाइड कर दूँगी यू बाई से सो so, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें यू इन टू वी रूल लगाना पड़ेगा सो so, ये वाइक है एक्स स्क्वायर ई रेस टू पार थ्री एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी यू एज इट इज़ इन टू इसका डेरीवेटिव ई रेस टू पार थ्री एक्स इन टू लॉक थ्री हाँ नहीं नहीं ये गलत है लॉक थ्री है ई रेस टू पार एक्स का डेरीवेटिव होता है ई टू पार एक्स ओनली सो ई रेस्टू पार थ्री एक्स का डेरिवेटिव विल बी ई रेस टू पार थ्री एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ थ्री एक्स दैट इज थ्री प्लस ई रेस्टू पार थ्री एक्स एज इट इज एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स सो ई रेस्टू पार थ्री एक्स कॉमन आके दिस इज द आंसर यहाँ से एक एक्स भी कॉमन ले लिया इन्होंने यू था लॉग एक्स की होल स्क्वायर तो इस पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एक्स रेस्ट टू पार एन का सो टू टाइम्स लॉग एक्स इन टू एक्स की जगह क्योंकि लॉग एक्स था सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स सो टू लॉग एक्स ओवर एक्स सो डी वाई बाई डी यू क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे सो एक्स इंटू थ्री एक्स प्लस टू ईरेस्ट पर थ्री एक्स एज इट इज ओवर टू टाइम्स लॉग एक्स ओवर एक्स सो ये एक्स ऊपर चला गया यहाँ एक्स स्क्वायेर बन गया एंड दिस इज़ द आंसर सो so, ये इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं पैरामीट्रिक ये क्वेश्चन के डेरिवेटिव कैसे करने हैं आपने सो so, आपकी बुक में जो क्वेश्चन हैं उसके अलावा आप इनकी भी प्रैक्टिस कर देना इसमें दीज आर मोर एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू डिफ्रेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सो आई एम रिपीटिंग आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उसके अलावा आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीसिड फंक्शन डैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो